के सभी जवान अब सामान्य नागरिक को श्रीमान कहकर सम्मान देंगे। ये जानकारी हरियाणा के पुलिस महानिदेशक बलजीत सिंह संधू ने मीडिया से बातचीत करते हुए दी। पुलिस महानिदेशक बलजीत सिंह संधू ने कहा कि ये थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन उन्हें विश्वास है कि हरियाणा पुलिस के जवान सम्मान पूर्वक बोलेंगे। उन्होंने बताया कि पहले परिवेश में ये ऑपरेशन श्रीमान 31 जनवरी तक चलाया जाएगा और आगे भी रिव्यू किया जाएगा। डीजीपी ने बताया कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित भी किया जाएगा। पत्रकारों द्वारा राम रहीम केस के बारे में पूछे जाने पर पुलिस महानिदेशक ने कहा कि हरियाणा पुलिस कानून व्यवस्था को लेकर पूरी तरीके से तैयार है। राम रहीम के केस में होने वाले फैसले को लेकर पुलिस के जवान सिरसा से लेकर पंचकुला तक अलर्ट पर हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में कानून व्यवस्था बिगड़ने नहीं दी जाएगी। पुलिस महानिदेशक ने इस दौरान बढ़ते कोहरे को लेकर भी सड़क व्यवस्था पर बात की। ऐसा है कि पुलिस विभाग की जनरली ये शिकायत रहती है कि जो नीचे के थाना स्तर पे या चौकी स्तर पे जो हमारे कर्मचारी अधिकारी हैं, उनका व्यवहार पब्लिक के साथ ठीक नहीं है। तो इस बात पे मुख्यमंत्री जी के ये आदेश भी थे और उनके सुझाव भी है कि हमें 2019 में पब्लिक के साथ अपने जो संबंध है उसको मधुर बनाना चाहिए। उसके लिए एक ऑपरेशन श्रीमान शुरू किया गया है, जिसमें सभी जिलों के SP, कमिश्नर ऑफ पुलिस, रेल IG को और जितने भी हमारे दफ्तर हैं उनको ये हिदायत की गई है कि वो जो भी पब्लिक का नुमाइंदा कोई कंप्लेंट लेके या किसी भी सेवा के लिए थाने या चौकी में आता है या दफ्तर में आता है, उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, उसकी बात को अच्छी तरह से सुना जाए और जितना कोशिश हो सके उसको उसकी बात को सुनकर उस पर कार्रवाई की जाए। और ये ऑपरेशन पहले 1 महीने के लिए चलाया जा रहा है और इसको महीने के अंत में फिर रिव्यू किया जाएगा और इसमें जो कमियां होंगी या कोई जो भी इसकी अच्छाइयां हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए फिर आगे भी इसको रखा जाएगा और जो पुलिस की छवि है उसको सुधारने की तरफ पूरी कोशिश की जाएगी। उनको कहा है कि सर या मैडम या श्रीमान जो भी उचित वर्ड हो, और साथ में पोलाइटली और कोशिश की जाएगी कि थाने चौकियों में जो पुलिस स्टेशन में जितने भी हमारे जो लैंडलाइन के नंबर हैं उन पे जो है महिला कर्मचारियों को लगाया जाए ताकि वो ठीक तरीके से बात करें और ठीक नोट करें। और ऐसे जो कंट्रोल रूम भी है हमारे जो 100 नंबर को रिसीव करते हैं उनमें भी इसको लागू किया जाए। जो जितनी भी पुलिस की प्रक्रिया है उसमें जो है अदब से और इज्जत से और उससे बात की जाएगी और इसके साथ साथ सख्ती को भी रखा जाएगा। इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि जो क्रिमिनल एलिमेंट है या एंटी सोशल एलिमेंट है उसको भी सख्ती से निपटने की बात रहेगी। लेकिन आम जन के लिए, आम आदमी के लिए, आज़ादी के इतने सालों बाद और हरियाणा प्रदेश के 52 साल के कार्यकाल में इस और ध्यान देना बहुत बड़ी बात है और इसमें हमें लगता है मुश्किल भी थोड़ी आएगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इसमें हमें सफलता जरूर मिलेगी और हमारे कर्मचारियों का और हमारे अधिकारियों का पब्लिक के साथ अच्छा बर्ताव रहेगा। प्रथम ठहरता के लिए पंचकुला से उमंग शोराम।